डेस्टिनेशन हम लोग पहुंच चुके यो मैम, दिस इज योर बॉय डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो जय श्री राम, हर हर महादेव सबको गाइस। तो आज जा रहे हम लोग हेवन वैली, नामी हेवन वैली, अब जाके लुक्स चेक करते कैसा है। तो ये हम लोग का सिलीगुड़ी से 40-45 किलोमीटर है। तो चलो गाइस निकलते, लेट नहीं करते, सीधा मिलते आप लोग के साथ मोटो ब्लॉग सेटअप में। तो गाइस कैमरा पावर बोलते, सुपना से मधुबन होके, मधुबन से रोहिणी होके, रोहिणी से कर्सिंग होके जाएंगे और आप लोग को फुल डेस्टिनेशन दिखाएंगे। मैं जब भी मधुबन साइड से जाता हूँ बिकॉज आई लव ग्रीनरी। यहाँ पे चेकिंग, वहां पे चेकिंग, चेकिंग ही चेकिंग। ओके, लाइसेंस दो। ओके, करा वाला चेकिंग है रे भाई। बाइक से कूलिन गिर रहा है यार, कैसे गिर रहा है वो पता नहीं यार, लेकिन गिर रहा है। ठीक है, मूड का महाबैल हो चुका है यार। 1.5 से 2 किलोमीटर तो जंगल और ट्रैकिंग का रोड है, ठीक है, तो उसमें फिर फटेगा यार, और इससे पहले यहाँ पे फट चुका है क्योंकि मैं जब एक्सीलेटर फुल दे रहा था ना तो एक्सीलेटर नहीं ले रहा यार, बीच में थोड़ा सा एक्सीलेटर के फिर बूम 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 करके फुल एक्सीलेटर नहीं ले रहा। क्या ही बोलो यार, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, जिंदगी जिंदगी ठंड जैसा लग रहा है पीछे से यार। वीडियो नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बना ही रहा हूँ, ट्राई कर ही रहा हूँ उसके ऊपर, ऐसा तो मत करो यार, ठीक है, और भी मत तोड़ो दिल यार। ये लूज हो गया था बोल के यहाँ से ड्रॉप हो रहा था। सोमो सोमो जिम करके आया बोले, बॉडी सॉडी देखा कैसा जिम किया है भाई। उस टाइम ना फुल एक्सीलेटर नहीं हो रहा था यार मेरे साथ, बूम 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 हो रहा था यार, टेंशन लग गया था मुझे यार उस टाइम, फुल फुल बोले तो टेंशन क्या चोद दिया था एकदम बैंड चोद। तो हम लोग अभी रोहिणी पहुंचेंगे थोड़ा देर बाद, तो चलो हम लोग राइट लेते हैं यहाँ से। तो ये है रोहिणी स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज, तो आगे ये आपका आर्मी कैंप वगैरह। टोटली गाइस हम लोग कर्सिंग से 13 किलोमीटर डिस्टेंस में है, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। अभी यहाँ पे फिर रोहिणी का टोल टैक्स लगता है बैंच। चलो रे भाई, कितना 10। जहाँ पे भी गांड फाड़ने के लिए चुतिया लोग बैठा हुआ है, दो बार पुलिस पकड़ लिया, उसके बाद बाइक का ये प्रॉब्लम हो गया, अभी बारिश। वाह भाई वाह, ऐसा में कुछ जैकेट वगैरह भी नहीं लाया, उसके ऊपर बारिश। कर्सिंग के एंट्री पॉइंट हम लोग रीच करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये वेलकम टू कर्सिंग लिखा हुआ है, यहाँ से आपको राइट साइड मुड़ना है, सीधा मत जाएगा, राइट साइड मुड़िएगा, आप लोग को गिद्दा पार के उस साइड से जाना है। वेलकम टू कर्सिंग लिखा है, यहाँ से सीधा मत जाएगा, राइट साइड से नीचे जाने पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे स्कूल मिलेगा आप लोग को, देख ही सकते हो गाइस, एसटी एंथनीज स्कूल गर्ल्स सेक्शन। ओके, यहाँ पे बॉयज सेक्शन गर्ल्स सेक्शन होगा लगता है, माइट बी। तो यहाँ से जो ये स्कूल के फ्रंट साइड में देखे, फ्रंट साइड में दिस रोड इज मेंटेन बाय जीटीए, और यहाँ से आपका रिसोर्ट भी है, ट्रीट टॉप्स रिसोर्ट, ठीक है, यहीं से जाने पड़ेगा हम लोग को। तो चलते हैं ऊपर यार, ओए स्लाइड मत हो यार, यारा हो यारा भाई, रोड तो भाई हेवी वाला है, तो यार ऑफ है एकदम, ऊपर ऊपर और भी ऊपर जाने पड़ेगा। खुद भी फन करते हुए और आप लोग के साथ भी शेयर करते हुए डायरेक्शन वगैरह, तो मजा आता है गुरु। और भाई फगी देखो, फगी उड़ रहा है सामने से यार, वाओ भाई वाओ वाओ वाओ। नीचे नहीं, ऊपर नहीं, कहीं नहीं जाना है, एक ही रूट मिलेगा, ये रूट से चलते रहना है, सीधा बात, ठीक है। यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड और किसका गांड फटा है पता नहीं मुझे, बट फटा जरूर है यहाँ पे भी,
तो चलो चलो ऑन मारते हुए ऊपर चलते हुए अपना मंजिल में पहुंचते हुए। तो गाइस ऐसा होता है, देखो हॉर्न नहीं मारने से ऐसा होता है। लादास ट्री टॉप्स रिसोर्ट फोन नंबर भी मिल जाएगा अगर रिसोर्ट में रहना है तो। रिसोर्ट का जो एरो है ना उस साइड से जाना है हम लोग को। और आप लोग को अगर स्टे करना है यहाँ पे तो आप लोग ट्री टॉप्स रिसोर्ट में स्टे भी कर सकते हैं गाइस। लेकिन ठंड से ना गांड फट चुका है और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहीं से जाने पड़ेगा ब्रदर। तो गाइस ये लोग लगता है हेवन वैली चेक आउट कर लिया है और अब हम लोग जाएंगे। वो लोग विजिट करके भी चला जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। वाह वाह भाई जियो, ब्लॉगर लोग का निशानी ये है, अकेले अकेले जाओ जहाँ पे भी राइड करो और इंजॉय मारो गेड़ी मारो। तो ऐसे ही सीन है ब्रदर, नीचे से ऊपर आते रहिए आप लोग को रिसोर्ट मिलेगा, स्कूल मिलेगा ऊपर। सो यहाँ से जब आप लोग ऊपर आते रहेंगे ना तो यहाँ पे आके थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, क्या नोटिस ऐसा करके घिरा हुआ है और एक छोटा सा गेट है यहाँ पे, तो ये गेट से हम लोग को एंट्री मारने पड़ेगा हेवन वैली। कोर्ट से देखो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी बंदा का है और अच्छा काम किया यार। हम लोग बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और गाइस एंट्री पॉइंट तो यहाँ से मेन, बट वहाँ पे लॉक किया हुआ है तो इसीलिए ये जाली के यहाँ से जाने पड़ेगा। और इसका फट चुका है बोल रहा है। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाइक यहाँ पे गाइस चेक करो हम लोग का, और बंदा ने हेलमेट छोड़ के आ गया है। वाह जा भाई लेके आ, लेके आ जा, दौड़ जा, डर क्यों खा रहा है यही पे हूँ मैं। अब लेके आ, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ पे जब आप लोग गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे ना तो हे व्यू वाला फील होगा, क्या बोलते हो गाइस। और यहाँ पे बैठने का चेयर वगैरह भी है तो हम लोग ऊपर जाएंगे और भी, ठीक है लास्ट पॉइंट तक जाएंगे जल्दी जल्दी करके, और जल्दी जल्दी करके निकलने भी पड़ेगा हम लोगों को, क्या बोलते हो गाइस। वो वाला भाई, वो वाला फील, वो वाला सीन शॉट। पर गाइस यहाँ पे कहीं पे छाया है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, उसका फील अलग सा ही है एकदम, क्या अलग सा ही। लेकिन मजा आ रहा है गुरु, चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते। अगर आप लोग थक भी जाते हैं चलते चलते तो यहाँ सीट भी प्रोवाइड किया है गाइस, चेक करो यार। टेबल में बैठ के हल्का सा रिलैक्स होके बैठ सकते क्या। लेकिन भाई जंगल लेकिन घना यार, घना घना जंगल, घना घना जंगल। और इसका फटके चार हो चुका है भोसर पप्पू। तो गाइस फाइनली हम लोग का डेस्टिनेशन हम लोग पहुंच चुके, और यहाँ पे देखो बियर वगैरह खा के फेंका हुआ है बहुत सी लोग। तो ऐसा मत करो यार, लेके जाओ बैग में, मत करो गंदा क्यों करना। जब सनलाइट होता है ना धूप में ना फुल दिखाई देता है, फुल हम लोग का सिलीगुड़ी ना वहाँ से फुल दिखाई देता है, एकदम फुल व्यू ले सकते ये पत्थर के ऊपर चढ़ के। तो हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज फुल आप लोग देख ही सकते हैं, फॉगी फॉगी हो चुका है यहाँ पे गाइस, चेक करो फुल फॉगी है। आप लोग जब विजिट करेंगे तो धूप के टाइम कीजिएगा तो आप लोग को मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीन आप लोग देख सकते हैं क्या। और चोमू को देखो क्या कर रहा है, थक चुका है, थका है, दोनों ही थका है, ऑफ है बहुत, लेकिन मज़ा आएगा क्या बोलते हैं। व्यू लुत्फ चुम्बेश्वरी, चुम्बेश्वरी मतलब एकदम सॉलिड ना, भोसरी वाला चचा बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है सुंदर सा है व्यू, एकदम सुंदर सा सुंदर एकदम। लेकिन बहुत कुछ हुआ आज, बहुत कुछ हुआ, पुलिस पकड़ा, उसके बाद बाइक का प्रॉब्लम, तब भी हम लोग आके छोड़े, लेट हुआ बहुत बट तब भी हम लोग रीच किया ये लोकेशन, उसके लिए दिल से
गर्व है क्या ब्लॉगर बनने रिच लोकेशन है ओके। तो यहाँ से आप लोग का स्टेयर्स टाइप में है, पत्थर से देखो गाइस, पत्थर का स्टेयर्स है। वाह भाई वाह, तो चलते हम लोग भी चढ़ते। और यहाँ से देखो गाइस, यहाँ से आप लोग लूप देखो एक बार, फुल फॉगी है गाइस, फुल फॉगी। तो यहाँ से हम लोग का सिलीगुड़ी फुल दिखाई देता है, लेकिन हम लोग क्या देखना है, फॉगी, लेकिन तभी मजा आएगा। बोलता है चोबू कुछ बोल रहा है, थक चुका है ये बोल के, बहुत फटा यार, क्या बोलूं मैं तो सोच रहा ठंड से फटेगा, बट नहीं यार, चढ़ के फट गया, चढ़ के मजा आया मजा आया गुरु, मजा आया। और गाइस एक बार सीन चेक करो, फुल आपको फॉगी दिखाई देगा यहाँ पे, इसको नीचे उतरने पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बारिश में भीगना नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, लेट नहीं करते क्या। चलो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके, और आज का डे एकदम मस्त था यार, मस्त, ठीक है। हेवन वैली एकदम दिल बाग बाग हो गया है, हेवन वैली में जाके थोड़ा डर भी लगा, बट फन किया हम लोग ने फुल, ठीक है। और आज का वीडियो में बहुत सारा कांड हुआ राइट, लेकिन मजा आया गुरु, मेमोरीज एड ऑन हुआ बहुत सारा राइट। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, फिर से नया कुछ लेके आएंगे आप लोग के साथ, ऐसे करके जुड़े रहेंगे। तो चलो बाय बाय।